एक तो जो हमने करनाल में अनाउंस किया था कि अगला कार्यक्रम विपक्ष साहब के समक्ष जो है हम जींद में करेंगे, 14 तारीख की बात हुई थी, इन सभी साथियों से बात हुई, उस दिन साया बहुत तगड़ा है, तो 14 की बजाय 18 को करेंगे जींद में। ये आज बात हुई हमारे साथ साथ 18 को उत्तम आज प्रदेश मैं मंडियों में भी गया था, एक तो जैसे दुराना मंडी गया सेम के लिए मंडी और गए है बाढ़ वाला उसमें हाँ, बाढ़ और पौड़ी वहाँ पौड़ी गांव से सारा एरिया देखा, जो इतना पानी ग्रस्त हुआ हुआ एरिया, जो भारी बारिश हुई और लोग परेशान हैं। जैसे अब मेरे को लगता नहीं, अगर यही स्पीड से चला तो अगले गेहूं की फसल भी की बिजाई भी नहीं कर सकेंगे, ये तो होगी खराब, लेकिन अगली गेहूं की फसल के भी वो है, तो सरकार को तुरंत इसका वो करना चाहिए। ये 27-28 गांव हैं जो पूरे जल में डूबे हुए हैं, उनका निकासी का तुरंत इंतजाम करना चाहिए और तेजी से करना चाहिए, जब कुछ उनको राहत मिले, और गिरदावरी करा के उनको कंपनसेशन, पूरा कंपनसेशन कर देना चाहिए ताकि समय पे काम आ सके। लेकिन जैसे मंडी में गया तो हर उनकी यही आवाज़ थी कि DAP की बहुत कमी है, DAP नहीं मिल रहा, और बाजरे की और धान का MSP भी नहीं मिल रहा। बाजरे का इन्होंने भावांतर कहा था, भाई 600 रुपये हम देंगे, उस टाइम बाजार में 1600-1700 बिक रहा था, आज बाजरा 1200 भी नहीं है, 1100 भी नहीं है, और इसका मतलब 2250 MSP है, तो किसान को नहीं मिल रहा है। इसी प्रकार से धान का भी मॉइस्चर के उससे और उस करके उसको सस्ता बेचना पड़ रहा है, और ये ना लिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ बहुत सारे पूरे हरियाणा की स्थिति बता रहा हूँ, तो MSP धान पे धान में भी नहीं मिल रही, और ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो FCI की तरफ से जो यहाँ सरकार ने कहा मजदूरी कम हुई है, नहीं तो हर बारी कुछ ना कुछ मजदूरी बढ़ती है मजदूर की, जो मंडियों में ये पहली दफ़ा उसमें कमी की है। लेकिन जो कल वहाँ टीकरी बॉर्डर पे एक ट्रक के नीचे कुछ महिलाएं, 3 महिलाएं या 3 महिलाएं थी, तो कई महिलाएं, हाँ सर कई कुछ को चोट लगी, 3 मर उनको अच्छी तरह उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हरियाणा सरकार को भी कंपनसेशन देना चाहिए उनको। साहब क्या लग रहा है जो लोग परेशान हैं किसान की जो किसान की भी आप जैसे मंडी में गए देखिए वहां पे भाई 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 कर देखिए मैं बताया हूँ, मैं बता रहा आपको कि ये जो पहले 5 साल BJP की सरकार रही, अब 2 साल से गठबंधन की सरकार है, ये गठबंधन जो बना है, सरकार बनी है, ये कोई नीतिगत के आधार पे नहीं है, नीतियों के आधार पे नहीं है, ये तो स्वार्थ के आधार पे गठबंधन सरकार बनी है। वही जो लोग कहते थे भाई इनको यमुना पार करेंगे, वो कहते थे हम 75 पार हो गए, 75 पार करेंगे, लेकिन इसके बाद जब गठबंधन किया तो अब दोनों यार हो गए, तो कहेंगे यमुना यार पार कर रहे थे, और क्योंकि मैंने कहा नीतिगत इनका स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ से नीति नीति के आधार पे नहीं है इनका गठबंधन, स्वार्थ पे है, और उसके हिसाब से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में है, इस समय है चरम सीमा पर, कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चरमरा गई, ऐसा प्रतीत होता तो सरकार है ही नहीं, और जो किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग परेशान है, हर विमुख हो चुका है, ये आज स्थिति है। इनसे जो है इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, बस इवेंट मैनेजमेंट, कोई भी बात होगी प्रचार करेंगे, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे, और नीचे स्तर पर कुछ नहीं है, किसी को राहत नहीं, कंपनसेशन जैसे किसान को मिलना चाहिए समय पर वो नहीं मिलता, ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, और जितना उनके मैनिफेस्टो आप दोनों को उठा के देखो, 19 के ही देखो 14 के देख लो, तो एक भी ऐसा वो नहीं है वायदा जो इन्होंने पूरा किया, एक भी नॉट इन सिंगल, ये कहा गया भाई MSP का हम कानून बनाएंगे, एक ने कहा हम 5100 रुपये पेंशन देंगे, कोई भी आप उठा के देखो कि
और बेरोजगारों को 6,000-9,000 हम देंगे, अंडर ग्रेजुएट को 6,000 और जो ग्रेजुएट्स हमको 9,000 अलाउंस देंगे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो कोई भी वायदा चाहे किसान हो चाहे युवा, बल्कि जो स्थिति है आपके सामने, दो दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके और हमने विधानसभा में भी उठाया, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को भाई। हमने सीबीआई इंक्वायरी करें, क्यों सरकार संकोच करे, किसको बचाना चाहते हैं, ये बातें करते हैं। यहाँ तो इन्होंने करोड़पति लखी और करोड़ी बना दिए भाई, जो पेपर लीक कर रहा है वो करोड़ी हो गया और जो पेपर करवा रहा है वो लखी हो गया। लेकिन प्रदेश के जो युवा हैं उनके भविष्य के साथ बड़ी भारी खिलवाड़ हो रही है। और ये मैंने कहा था भाई हाई लेवल कमेटी होनी चाहिए, पता करना चाहिए, लेकिन ये तो बात जो है विधानसभा में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसकी काम करेंगे। जो कोरोना पे उन्होंने कहा भी एक भी आदमी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, मैंने कहा था भाई ये बहुत सारे अखबारों में आई है, सबूत हैं, तो इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाओ। उन्होंने विधानसभा में कहा था भाई हम बनाएंगे इसकी हाई लेवल कमेटी, लेकिन अब तो वो कमेटी बनी नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई पेपर लीक पर, और अब भी थोड़े दिन पहले भी ये जो ORM सीट्स होती हैं 500 से ज़्यादा वो मतलब ब्लैंक मिली गई, क्या आप समझ रहे। मतलब नौकरियां तो इस सरकार में बिकी ऐसे जैसे परचून की दुकान पे परचून बिकता है, फलाने का रे ये रेट, या आम खुली बात है सिपाही का ये रेट, ये तो इस प्रकार का भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी साहब पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री खट्टर की सराहना की, वो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री बता दिया, क्या टिप्पणी करना चाहिए। देखिए वो तो अपने अपना आंकलन है, मेरा आंकलन है ये जो सरकार है मौजूदा सरकार गठबंधन सरकार हरियाणा की, इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार और इससे ज्यादा नकारा सरकार कभी हरियाणा में नहीं आई होगी और न आने आएगी, न आपके लोग लाएंगे। इलाहाबाद उपचुनाव लगभग पूरे इंडिया में जनता तरसते, बट कांग्रेस इसको नहीं इतना बड़ा मुद्दा दिखाया, जब बीजेपी कांग्रेस यूपीए का शासन था तो 2 रुपये लीटर पे भी बीजेपी इतना हल्ला मचा। नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी पूरा मतलब हमारे विधानसभा में भी हमने कहा और सब जगह प्रदर्शन भी दिए, लेकिन क्योंकि कोरोना का वो था ज्यादा बड़े प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन किया सब जगह हमने दिए और पूरी आवाज़ उठा रहे हैं। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये कहते हैं भाई अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो हमारे समय में ज़्यादा महंगा था और यहाँ सब्सिडी देते थे, सब्सिडी दे के जो उपभोक्ता है उसको सस्ता मिलता था, और इस सरकार ने मौजूदा सरकार ने तो कमाई का साधन बना लिया। इस में जो है केवल डीजल और पेट्रोल से 9.5 लाख करोड़ केंद्र समाज आमदनी कर चुके हैं, और हरियाणा में जो वेट है जो हमारे समय में 9.9% था आज दोगुना कर दिया, 18% कर दिया। हरियाणा भी सरकार कमाई लगे लोगों के उस पर है, बल्कि सब्सिडाइज करने के लिए वजह की वजह कमाई का साधन बना लिया ही है, और उसका सीधा इम्पैक्ट हर वर्ग पे पड़ता है, खासतौर पे किसान पे, किसान की लागत बढ़ गई, उसका मतलब उसका खाद का भी बढ़ गया। हमारे समय में तो खाद पे भी कोई टैक्स नहीं था, पेस्टिसाइड्स पे कोई नहीं था, अब उस पे भी लग गया, पेस्टिसाइड्स पे भी खाद पे भी कीमत भी बढ़ गई, टैक्स भी लगा दिया, तो लागत तो बढ़ गई आमदनी घट गई किसान की, और यही कारण है आज पूरे वर्ग में बेचैनी है। देखिए ये जो कार्यक्रम है विपक्ष आपके समक्ष का मतलब ये है जनता के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ बन के हम अपनी विधानसभा में और वहाँ उनकी उनकी आवाज़ बन के ताकत बनाए उनकी, ये इस लक्ष्य से है और पूरे जोर शोर से विधानसभा में उठाए। और कोई यहाँ जो ये कार्यक्रम भाषण देने के लिए हैं, लोगों की समस्याएं सुनने के लिए हैं, ताकि हम लोगों की तह तक की समस्याएं बात सुने और उनकी आवाज़ बन सके।